में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में नबी और रसूल क्या है और अंतर क्या है दोनों में। अल्लाह ने जब मनुष्य को बनाया तो उन्होंने उन तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए रसूलों को इस धरती पर उतारे। अल्लाह ने अपने चार आसमानी किताबें तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान को धरती पर रसूलों के द्वारा ही उतारी है। अल्लाह ने रसूलों को इस उद्देश्य से भेजा कि धरती पर भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखा पाएंगे। अभी रसूल और नबी में क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूं। अल्लाह ने रसूल और नबी के बीच में अंतर भी बताया है कि रसूल एक नया संदेश या धार्मिक कानून लोगों तक पहुंचाते हैं, बल्कि नबी पुराने संदेशों या धार्मिक कानूनों का ही प्रचार करते हैं। इस प्रकार हर रसूल नबी होते हैं, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होते हैं। इसी प्रकार सभी नबी मनुष्यों में ही बनाए गए थे। रसूल और नबियों के जो कार्य है वो मैं आपको बताता हूं। नबी मतलब प्रॉफिट्स। अल्लाह के भेजे गए रसूल, रसूलों में जो मौजूद थे, जो सबसे अहम थे, वो थे हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत नूह, अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद साहब थे। कुरान शरीफ में 26 रसूलों के बारे में बताया गया है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।